कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 3 त्रिकोणमिति फलन विविध प्रश्नावली 3। सिद्ध करो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कास एक्स कास 2x इंटू साइन 4x। दिए गए पद में हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास है क्या, साइन एक्स प्लस साइन 5x साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। इसमें हमने बाया पक्ष लिया, कौन सा पक्ष लिया, LHS, और LHS से हम RHS को प्रूव करने जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दाहिने पक्ष में आने वाली जो वैल्यू हमारे पास है उसको ध्यान दो, तो वो है cos x, cos 2x और sin 4x। तो हम किसी एक वैल्यू को पहले लाने का प्रयास करते, एक वैल्यू कैसे आएगी तो इसको ध्यान से देखें। साइन 4x के बारे में विचार करें तो तब आएगा जब हम एक में 7 को जोड़ दे, 8 आएगा, 8 में 2 का भाग दे तो साइन 4x आ जाएगा। ऐसी 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 का भाग दे, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो साइन एक्स का साइन 7x के साथ दाहिनी ओर की वैल्यू आ जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पहले बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लिख रहे क्या, पहले लिखा अपन ने साइन, बड़े पद को पहले लिख दे रहे 7x को, प्लस साइन एक्स को लिखा, फिर साइन 5x प्लस साइन 3x। केवल एक ही फार्मूले की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वो होगा कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कास सी माइनस डी बाय 2। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिए, साइन इसमें जब सी मतलब 7, डी मतलब 1, तो क्या होगा, 2 साइन 7x प्लस एक्स बाय 2 इंटू का सी माइनस डी बाय 2 का सी माइनस डी, सी मतलब 7x ऋण एक्स बटे 2 धन साइन 5x प्लस साइन 3x, 2 साइन क्या 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 5x माइनस 3x बाय 2। सॉल्व करेंगे तो 2 साइन, ध्यान दीजिए 7 में 1 जोड़ा तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 सॉरी x इंटू कास 7x में से 1x को घटाया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 धन 2 साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 5 में से 3 को घटाया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1। दोनों के दोनों पदों में ध्यान से देखें तो हमको एक पद कामन दिखाई दे रहा है, उसको हम कामन निकालेंगे, वो है 2 साइन क्या 4x, दाहिनी ओर का एक पद आ चुका है, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो है cos 3x प्लस cos x। अब यहाँ पर जिस फार्मूले की आवश्यकता होगी वो फार्मूला होगा cos c प्लस cos d का, वो फार्मूला होगा क्या कास सी प्लस कास डी का। कास सी प्लस कास डी का जब अपन हल निकालते तो वो कैसा निकलता, 2 कास सी प्लस डी बाय 2 इंटू कास सी माइनस डी बाय 2। ध्यान देंगे तो यहाँ पर सी मतलब 3x, डी मतलब x, तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी, 2 साइन 4x ब्रैकेट के बाहर वैसे ब्रैकेट के अंदर 2 कास 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू कास 3x माइनस एक्स बाय 2, 2 साइन 4x, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो क्या आएगा, 2 कास 2x
तीन एक्स में से एक एक्स को घटाएंगे, दो एक्स एन टू कॉस, दो एक्स में दो का भाग देंगे तो एक्स, दो दूनी चार, दो दूनी आ गया चार। हम यहाँ लिख सकते पहले कॉस एक्स को, फिर लिख सकते कॉस टू एक्स को, फिर लिख सकते साइन फोर एक्स को। और ध्यान से देखें तो हम पहुँच गए कौन से पक्ष पे, आर एच एस पर, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।